दोस्तों अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का न्यू भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ। तो दोस्तों वीडियोज़ में बने रहिएगा, बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो भर्ती निकल के आई है वो किस डिपार्टमेंट से आई है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो आई है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज, यानी कि ये भर्ती निकल के आई है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी की तरफ से। ये जो भर्ती है दोस्तों वो एक बहुत ही बड़ी भर्ती है और आप लोगों को बहुत ही बड़ा मौका मिला है इस कंपनी में जॉब करने के लिए जो कि एरोस्पेस पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अबाउट कंपनी यानी कि कंपनी के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट आई है वो देखिए आप लोग, रिक्वायरमेंट फॉर द वैरियर पोस्ट ऑन फिक्स्ड टर्म एंड ट्रेनिंग बेसिस एडवाइजरमेंट नंबर NAEL RECT रिक्वायरमेंट 2402। यानी कि ये जो भर्ती निकल के आई है दोस्तों नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज से, वो आई है फिक्स टर्म ट्रेनिंग बेसिस पे, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। जो कि चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि कितने साल के लिए ये कंपनी ले रही है और क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों अबाउट कंपनी के बारे में हम समझते हैं। आप लोग देखिए नैनी एरोस्पेस लिमिटेड NAEL वाज इनक्रॉप्ड ऑन 29 दिसंबर 2016 एज ए होली ओनेड सब्सिडियरी ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब आप लोग ये समझिए ये जो कंपनी है दोस्तों नैनी एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि NAEL, ये जो कंपनी है ये अंडरटेकिंग कंपनी है HAL की। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की अंडरटेकिंग कंपनी है। तो इसका मतलब ये कंपनी जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप लोग इस कंपनी से जॉब कर सकते हैं। भले ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फिक्स टर्म ट्रेनिंग बेस पे है, लेकिन इसमें आपको सैलरी और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एक्सपीरियंस मिलेगी वो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको आगे ले चलते हैं, देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या डिटेल्स है। आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे समझिए दोस्तों कि ये जो भर्ती निकली है वो चीज़ समझिए आप लोग। यहाँ पे देखिए ये मेन चीज़ है, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन ट्रेनिंग बेस फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स। यानी आपको एक कंपनी जो है वो 3 साल के लिए ले रही है, 3 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि नॉन एक्जीक्यूटिव कार्ड इन द फैक्ट्री सिचुएटेड ऑन द UPSIDA इंडस्ट्रियल एरिया नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, द ट्रेनर विल कम टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग और मे बी एक्सटेंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो भर्ती है वो आपको पहले ट्रेनिंग बेस पे फिक्स टर्म बेस पे आपको 3 साल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 साल के लिए आपकी जॉब ये जो है ये परमानेंट कन्फर्म हो गई है। ठीक है, इसके पहले ये कंपनी नहीं निकालने वाली है। अब जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट होगा उसके बाद ये कंपनी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको एक्सटेंड कर सकती है, ये चीज़ इन्होंने बताया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डिटेल ऑफ पोस्ट डिसिप्लिन रिजर्वेशन अप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग समझिए, नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेड टोटल पोस्ट और कैटेगरी एंड क्वालिफिकेशन, ये तीनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप लोग पोस्ट देखिए, पहली पोस्ट जो है दोस्तों वो है ऑपरेटर WS यानी कि फिटर ऑन ट्रेनिंग बेस। टोटल जो पोस्ट है वो है 15,
एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और यूआर के लिए 8 पोस्ट, यानी कि टोटल जो पोस्ट है फिटर के लिए वो है 15, यानी कि ये जो भर्ती निकली है दोस्तों वो निकली है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए। तो जो कैंडिडेट्स आईटीआई फिटर ट्रेड से पास आउट हैं, अगर आप लोगों के पास 2 ईयर रेगुलर फुल टाइम आईटीआई एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप लोग आईटीआई कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है एनटीसी, ठीक है, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और होता है एनएसी जो उसको बोला जाता है दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज़ दोनों क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। तो यानी ये जो भर्ती है वो आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए है, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर, यानी कि 10वीं पास के बाद आपने आईटीआई फिटर ट्रेड से जो भी कैंडिडेट्स ने किया है वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों वो है ऑपरेटर WS इलेक्ट्रीशियन, यानी कि 2 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, पहली है फिटर की और दूसरी इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है, 15 पोस्ट टोटल फिटर के लिए है और 10 पोस्ट टोटल इलेक्ट्रीशियन के लिए है, ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन भी है, 2 ईयर्स रेगुलर फुल टाइम आईटीआई एनटीसी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड इन द ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन, यानी कि 10वीं के साथ साथ आपने 2 ईयर्स कोर्स रेगुलर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास आउट है तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया दोस्तों कि ये जो भर्ती आई है नैनी एरोस्पेस लिमिटेड प्रयागराज की तरफ से, वो वैकेंसी आई है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए, वनली आईटीआई पास, 2 ट्रेड के लिए आई दोस्तों, पहली है फिटर और दूसरी इलेक्ट्रीशियन के लिए। चलिए दोस्तों आगे हम आपको बढ़ते हैं, लास्ट डेट दिखाते हैं इसका कब है और एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले आप लोग एज लिमिट समझिए, यहाँ पे जो एज लिमिट बताया गया है वो है द अपर एज लिमिट शैल बी 28 ईयर्स, ठीक है, 30/6/2024 से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, आपकी जो एज है वो 28 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एज रियलाइजेशन में 5 साल SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए, ये गवर्नमेंट रूल्स के आधार पर एज लिमिट में ये बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों एज लिमिट अपना देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं उसी को दिखाता हूँ, बाकी नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेन्यूमरेशन यानी कि आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है इस कंपनी में, तो डिटेल से आप लोग इसको समझिएगा। आपकी जो कंसोलिडेट मंथली पे रहेगा जो दोस्तों वो रहेगा 23,200 रुपये इंक्लूज्ड ऑफ HRE को लेकर, ठीक है, यानी कि टॉप को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 23,200 रुपये पर मंथ, ठीक है, इसमें से आपको PF जो है कटेगा वो एम्प्लॉयर का वो 2,683 रुपये, और आपका जो स्पेशल अलाउंस होते हैं जैसे कि आफ्टर स्टेसी फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो 750 रुपये पर मंथ ये आपको मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 6,000 रुपये मंथली के हिसाब से आपका कटने वाला है। और तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों पेमेंट की, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी टोटल सैलरी ग्रॉस सैलरी वो मिलेगी 23,200 रुपये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको इस कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, ये चीज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस कंपनी का, इस भर्ती का। तो इन्होंने साफ साफ बताया है कि द कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर इंश्योरिंग दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन रिसीव प्रॉट ऑनलाइन विल बी स्क्रीनिंग एज द पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द नोटिफिकेशन, यानी कि आपको जो आप लोग फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो सभी चीज़ें चेक हो जाएंगी जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसके अंडरटेकिंग आप लोग आते हैं, आपकी क्राइटेरिया है तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि द कट ऑफ ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी स्कोर्ड बाई द कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन
ITI NTC in recipient of discipline trade maintained at para above or is follow. इन्होंने ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ के अंडर थिंकिंग आपको समझना है, ठीक है। पहले ही बात करते हैं कैटेगरी की, तो जनरल OBC और NCL यानी कि WS के लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स जो है इन्होंने बताया है वो है 60% से अबव होना चाहिए, यानी कि 60 से कम नहीं होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है ITI फिटर और इलेक्ट्रीशियन में, अगर आप लोगों का मार्क्स जो है 60% से कम है तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई ना करिएगा, जनरल OBC NCL EWS के कैंडिडेट्स, ठीक है। बात करें SC ST और PWD के लिए, तो 50% से कम नहीं होने चाहिए आपके मार्क्स जो हैं ITI में, तभी आप लोग रिटर्न टेस्ट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और क्या बताया इन्होंने। तो जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनको जो है रिटर्न एग्ज़ाम भी देना होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बताया है, देखिए आप लोग, द रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ टू सही 1/2 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे 30 मिनट का। द टेस्ट विल बी 3 पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट्स में आपके जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, Part 1 में विल कंसिस्टेड ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरेंस, यानी कि पहले जो पहला पार्ट होगा उसमें आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के रहने वाले हैं। Part 2 में दोस्तों आपका विल कंसिस्टेड ऑफ 40 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, यानी कि सेकंड पार्ट में आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे। बात करें थर्ड पार्ट की दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेंगे, और वो रहेंगे आपके ट्रेड से, आप जिस भी ट्रेड से फिटर या इलेक्ट्रीशियंस हैं, तो जिस भी ट्रेड के रहेंगे आपके ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 160, ठीक है। और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, तो ये बहुत ही अच्छा खासा टाइम भी है, और क्वेश्चन भी आपको रहेंगे, और नो नेगेटिव मार्क्स, यानी कोई भी नेगेटिव मार्क्स क्वेश्चन नहीं है, आप लोग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस फार्म को भरिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इस एग्ज़ाम को, इस पोस्ट को निकालना कैसे, क्रॉस क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सब पर एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। पहले आप लोग इस फार्म को अप्लाई करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आपको लास्ट डेट दिखाते हैं इस फार्म को भरने के लिए, जो लास्ट डेट बताया गया है वो क्या है। ये चीज़ समझ लीजिए आप पहले आप लोग, कि एप्लीकेशन फ़ीस जो इन्होंने बताया है वो है 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये आपको एग्ज़ाम फीस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस फार्म को अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट कन्फर्म है, इसको क्लियरिटी आप लोग समझ लीजिएगा। ये है मेन वेबसाइट www.nael.com.in, ठीक है। आप लोग इस वेबसाइट पे जाना, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जाना, वहाँ से आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस फार्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो आप लोग समझिएगा। वेट करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके जो भी डिटेल्स है वो समझ लीजिएगा, ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स, आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, तो 17/7/2024 से इस फार्म का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है, यानी कि 17 जुलाई 2024 से इस फार्म का अप्लाई ऑनलाइन डेट स्टार्ट है, और इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 26/8/2024, आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 26 अगस्त तक आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ऑनलाइन डाउनलोडिंग फ्रॉम 30/8/2024 ऑनवर्ड्स, यानी कि 30 अगस्त 2024 से आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है दोस्तों वो है 10/9/2024, यानी कि 10 सितंबर 2024 को आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम इस कंपनी के लिए होना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न टेस्ट यानी कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12/9/2024 को, यानी कि ये भर्ती जो है वो बहुत ही जल्दी क्लियर कर जा रही है, यानी कि उनको जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है वो अर्जेंट है,
तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई करिए और अपना रिटर्न टेस्ट दीजिए और आपका जो रिजल्ट है वो 12 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी NAEL यानी कि प्रयागराज की जो वैकेंसी आई है नैनी प्रयागराज से, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि अंडरटेकिंग कंपनी है NAEL की जो कंपनी है दोस्तों ये अंडरटेकिंग है HAL की। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इसी के अंडरटेकिंग कंपनी है NAEL यानी कि नैनी एरोस्पेस लिमिटेड जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग ITI पास कैंडिडेट्स हैं फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन से, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट भर्ती या गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।